बस अभी हमने लैंडिंग करी है नजफ एयरपोर्ट पर। अरबईन अभी 15 दिन दूर है और हम इस वक्त हैं अपने होटल में, और अरबईन से पहले हमें अभी और ज़ियारतें भी करनी हैं। अभी ये रोड खाली है और कुछ ही दिन बाद ये रोड भरी होगी करोड़ों लोगों से। ये रास्ता बगदाद से करबला जाता है। इराक का दारुल हुकूमत यानी इराक का कैपिटल कूफा रहा हमेशा से। हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद जब बाकी इमाम हसन और इमाम हुसैन का दौर आया तब भी कूफा रहा। फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कूफे पे कब्ज़ा किया और यजीद के हुक्मनामे से इमाम हुसैन को शहीद करा। बाद में हजरत मुख्तार के रेवोल्यूशन में इब्ने ज़ियाद मारा गया और उसके बाद इब्ने ज़ियाद का सर काट के कूफा भेजा गया। उसके बाद मरवान ने शाम से चढ़ाई करी और कूफे में हजरत मुख्तार के कातिल मूसब को मारा। हजरत मुख्तार और मूसब की जंग खानामे में बहुत सही से फिल्माया गया है, ड्रामे में, ईरानी ड्रामे में आप देखी होगी। उसमें हजरत मुख्तार को मार के सल लाया जाता है जनाब मुख्तार का मूसब के सामने। तो कुल खुलासा ये है कि इमाम हुसैन और मौला अली की शहादत के बाद इराक के हालात हमेशा बिगड़ते रहे और आज तक बिगड़े हैं। पहले कसरे कूफा में सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आया, फिर उसके बाद कातिल इमाम हुसैन का सर आया इब्ने ज़ियाद का। उसके बाद वहाँ पे कातिल इमाम हुसैन से बदला लेने वाले हजरत मुख्तार का सर आया, और उसके बाद हजरत मुख्तार को जिसने मारा था मूसब उसका सर आया। और ये सारा मंजर मरवान ने देखा और उसके बाद उसे ये खौफ हुआ कि अब अगला सर उसका आएगा, क्योंकि जो कोई भी कूफे पे रूल करता था वो कत्ल कर दिया जाता था, वो बर्बाद हो जाता था। तो उसने कसरे कूफा को उठा दिया और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कसरे कूफा को दोबारा तामीर करने की। आज तक लोग वहाँ देखते हैं मौला अली के घर के बराबर में कसरे कूफा है, वो गिरा हुआ है पूरा। उसके बाद बनी अब्बास ने अपने आप को रिवोल्ट करा, उनका रेवोल्यूशन अरब से शुरू हुआ और उमैया डायनेस्टी को ख़त्म करके रख दिया उन्होंने। और उन्होंने अपना कैपिटल, क्योंकि कूफे के लोग कभी भी किसी के नहीं हुए, वो उन्होंने मौला अली को धोखा दिया, इमाम हुसैन को धोखा दिया, इमाम हसन को धोखा दिया और बाकी लोगों को भी धोखा दिया। तो इस वजह से उन्होंने कूफे से शिफ्ट करके बगदाद को अपना कैपिटल बनाया, जो आज तक कैपिटल है। मगर उन लोगों ने भी इमामों पे जुल्म करे, और शायर कहता है कि वो तकी हों के नकी मूसी काजिम या रजा, सख्तियाँ कैद की और जहर का प्याला देखा। उन्होंने सारे इमामों को कैद करा कैद खानों में और चाहा कि इस्लाम को मिटा दें। लेकिन आज करोड़ों की तादाद में लोग उनके रोज़ों पर जा रहे हैं। हम भी फ़िलहाल बगदाद की तरफ जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, करबला से निकले हैं। इस वक्त जिस हम हाईवे पे चल रहे हैं, ये हाईवे बस कुछ ही दिन के बाद अरबईन का सफ़र और ये हाईवे होगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा और यहाँ से लाखों और करोड़ों की तादाद में ज़ायद निकलेंगे। हारून रशीद अब्बासी खिलाफत का एक बहुत बड़ा मशहूर नाम है, वो बगदाद का खलीफा रहा था। वो अपने आप को अहले बैत का दुश्मन बताता नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा अहले बैत का दुश्मन था। वो अपने आप को जानशीन रसूल कहता था। कहते हैं कि जब वो मदीने आया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर, तो उसने आकर कहा था कि मेरे चचादाद आप पर सलाम। और उसी वक्त वहाँ पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने कहा था कि मेरे बाप आप पर सलाम। पर इसी बात पर वो पहले भी और पॉइंट्स उसके पास थे, वो इमाम से हसद करता था, इसी बात पर उसने इमाम को गिरफ़्तार किया और सातवें इमाम को गिरफ़्तार करके जिंदान में डाल दिया। और जिंदान के अंदर जब पूछते थे कि आपका कसूर क्या है, तो आप ये कहते थे कि मैं औलाद रसूल हूँ और ये लोग औलाद रसूल को ख़त्म करना चाहते हैं। सातवें इमाम को 14 साल जिंदान में रखा और जिंदान बगदाद के अंदर है। फिलहाल तो हम इमाम के रोज़े पे जा रहे हैं, जिंदान अलग जगह है। हारून रशीद ने चाहा कि पहले इमाम को जिंदान के अंदर ही शहीद कराया जाए। उसने बहुत कोशिशें करी इमाम को शहीद कराने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हर एक कोशिशें साजिशें नाकामयाब हो गई। हिस्ट्री में लिखा है कि हारून रशीद ने एक अफ्रीकन को बुलाया जिसका कुछ और मतलब था, ताकि वो जाकर कैदखाने में इमाम को शहीद कर दे।
और शहीद करने के बाद ये इल्जाम जो है हारून के सर ना आए और ये इल्जाम उस अफ्रीकन के पास आ जाए जिसका दूसरा मजहब है, और ये ना हो कि एक मुसलमान ने मुसलमान का कत्ल करा, ये हो कि एक दूसरे मजहब वाले ने इमाम का कत्ल कर दिया। अफ्रीकन आया, उसे पैसे दिए गए, उसे पैसे दे के कैदखाने के अंदर भेजा गया कि साथ में इमाम को मार दो। अफ्रीकन वहाँ जाता है, जाके वो देखता है कि इमाम इबादत कर रहे हैं, और वो जिस मजहब का था उस मजहब का ये मानना था कि अगर कोई किसी खुदा की इबादत कर रहा है, किसी दूसरे की पूजा कर रहा है, तो उसे मत मारो, उसे छोड़ दो, उसे उस वक्त तक मत मारो जब तक वो अपने खुदा की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा मानते थे वो लोग कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका देवता, उसका खुदा जो होगा, वो मारने वाले, कत्ल करने वाले पे अजाब नाजिल कर देगा उसी वक्त। तो वो खंजर लेके वहाँ बैठा रहा और इमाम इबादत करते रहे। जैसे ही इमाम ने इबादत खत्म करी और उसकी तरफ पलट के देखा, तो उस इंसान ने एक चीख मारी, उसके हाथ से चाकू छूटा और वो भागा। अभी तक हारून ने छुपा के रखी थी ये बात कि उसने एक कातिल को भेजा इमाम को मारने के लिए, लेकिन वो इंसान इतनी तेज भागा कि वो सीधा महल की तरफ आया और उसने शोर मचा मचा के सबको इकट्ठा कर लिया। और जब सब लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे, तो हारून ने पूछा कि क्या बवाल है, क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि तुमने मुझे जिसके मारने के लिए भेजा था, जानते हो वो कौन है? तो हारून ने कहा कि कौन है? तो उसने कहा कि ये वो शख्स है कि जब हमारे अफ्रीका के जंगलों में बरसात नहीं होती कई कई महीने, तो ये आता है और ये दुआ करता है, और इसकी दुआ से और इसकी दुआ की बरकत से बरसात होती है। तो हारून कहता है कब की बात कर रहा है? तो वो कहता है हर साल हम देख रहे हैं कई सालों से। तो वो कह रहा है तू झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस शख्स को 14 साल से तो मैंने जिंदाद में कैद कर रखा है। तो ये हमारे इमाम थे और उन पर इस तरह के मजालिम ढाए जाते थे। बाद में हारून ने उस इंसान को भी कत्ल करा दिया जो मारने गए थे इमाम को। तो ये यहाँ सूरज निकल रहा है इराक के अंदर और हम जा रहे हैं बगदाद के अंदर, और हमारी दुआ यही है कि हमारा भी सूरज यानी सूरज इल्म तरक्की कामयाबी मौला निकाल दें। इमाम मूसी काज़िम को बाबुल हवाइज कहते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि जिस पे सबसे ज़्यादा जुल्म होते हैं, खुदा ने उसे बाबुल हवाइज का लकब दिया, जैसे हज़रत अली असगर, मौला अब्बास, इमाम मूसी काज़िम। सामने आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन है इसी रोड के साथ साथ, इराक की रेलवे लाइन। अरे खेत जंगल के पीछे किसी का मजार है। इराक बहुत अजीब जगह है, मतलब आप सऊदी अरब देखोगे वहां उन्होंने निशानियां मिटा दी हैं, लेकिन इन लोगों ने इतनी प्रिजर्व करके रखी हैं कि हम कहीं से भी गुजर रहे हैं इतने गुंबद यहाँ दिख रहे हैं, ये हर कोई जगह का काबिल एहतराम है, किसी न किसी का मदार है, कोई ना कोई लोकेशन है, कहीं हर जगह की अपनी हिस्ट्री है। और लेकिन हम सिर्फ मेन पे जा रहे हैं, तो एक चीज़ आपको ये भी मेंशन करनी थी कि अभी आप इराक आओ तो हिल्ला, मोसल और कितनी सारी ज्यारतें ऐसी हैं, उस हिसाब से आइएगा। हम तो सिर्फ मेन पे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो जानते हैं कि बारह इमाम कौन है। तो पहले इमाम जो है मौला अली अलैहिस्सलाम, सबको पता है। दूसरे मौला अली के बेटे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन उनके भाई। अब यहाँ तक तो सब जानते हैं अमूमी तौर पर, आम तौर पर, लेकिन उसके आगे के जो इमाम हैं जो हैं, वो बहुत से ऐसे हजरात हैं जो जानते नहीं उनके बारे में, जैसे मेरे क्लास फेलोज बहुत सारे हैं वो नहीं जानते। तो उनके बाद ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, और उनकी शादी हुई इमाम हसन की बेटी जनाब फातिमा से। तो उनसे उनके जो बेटे हुए वो हुए इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, यानी हमारे पांचवें इमाम, जो इमाम हसन उनके नाना हैं, इमाम हुसैन उनके दादा हैं। उसके बाद उनके जो बेटे हुए वो हुए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया मदीना को, जो अकेले जो है 4,000 शागिर्दों को पढ़ाते थे। उसके बाद उनके जो बेटे हुए वो बने सातवें इमाम मूसे काज़िम, जिनके रोज़े पर अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तार करके लेके आ गए, और वो आले रसूल हैं, सैयद हैं, और सैयदों के सरदार हैं, क्योंकि सारे सैयदों में सबसे अफजल सैयद वो हैं। तो उनके बारे में दुनिया को इतना पता नहीं चल पाया, उनको यहाँ गिरफ्तार करके लेके आया। इनके बेटे बने इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा को भी गिरफ्तार करके ले गए थे और उन्हें मस्जिद के अंदर शहीद किया गया था। उसके बाद उनके बेटे बने इमाम मोहम्मद तकी, जिनको फिर गिरफ्तार करके बगदाद लेके आया, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट हो गया था, यहाँ से मस्जिद हो गया था, मस्जिद से फिर दोबारा कैपिटल यहाँ आया, तो जहाँ जहाँ कैपिटल्स होते रहे वहाँ वहाँ उन्हें ले आके शहीद किया गया। उसके बाद उनके बेटे इमाम अली नकी बने, उन्हें सामर्रा लेके गए,
उन्हें शहीद करा गया। उसके बाद उनके बेटे इमाम हसन अस्करी बने और उन्हें भी सामर्रा में ही शहीद किया गया। वो मदीने रहते थे, मदीने से सामर्रा लेके गए थे। और उनके बाद उनके जो बेटे हुए आखिरी हमारे इमाम हुज्जत थे मेहदी अलैहिस्सलाम, जो बहुत ही कम एज में दुनिया से गायब हुए थे। और एक बात ये कि हमारा इमाम गायब नहीं है, हाजिर, वो उस तरह गायब है जैसे फिरौन के दरबार में हजरत मूसा नबी थे लेकिन लोगों को पता नहीं था कि मूसा कौन है। वो उस तरह गायब है जिस तरह दूसरे पैगंबर काम कर रहे थे और नमरूद को पता नहीं चल रहा था कि इब्राहिम किस घर में पैदा होने वाले। उसी तरीके से इमाम मौजूद है दुनिया में, वो अपने काम कर रहे हैं लेकिन वो उस तरह गायब है जिस तरह फिरौन के दरबार में हजरत मूसा थे। और उनकी एज हमारे इमाम की जो है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह बढ़ती जा रही है, और उनकी जो फिजिकैलिटी है, जो बॉडी है उनकी, हमारे इमाम की, जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे सबसे ज़्यादा मुशाफ़े मेरा मेहदी होगा, तो वो वैसी की वैसी है। और वो कहते हैं कि जब ज़हूर करेंगे तो ऐसे होंगे जैसे 40 साल जवान। हिस्ट्री के अंदर सैकड़ों और हजारों रिकॉर्ड मौजूद हैं जहां पर लोग बताते हैं कि जब इमाम मूसी कासिम अगर किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो उनकी दुआ फौरन कबूल होती थी। चाहे इमाम मूसी कासिम हो, चाहे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, आप दोनों को ही अपने अपने ज़मानों में और अपने अपने ज़माने के हुक्मरानों ने गिरफ़्तार किया और आपको गिरफ़्तार करके बगदाद लेके आए और आपको बगदाद में लाके शहीद किया। इमाम रज़ा ने इमाम मूसी कासिम की नमाज जनाजा पढ़ाकर आपको इस मुकाम पर दफनाया। इमाम मूसी कासिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई चैरिटी किसी कमज़ोर को मदद का हाथ देने से ऊपर नहीं है। इमाम मूसी कासिम को 14 साल कैद खाने में रखा गया और कहते हैं कि जिस कैद खाने में इमाम को कैदी बना के रखा गया था वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर इमाम ना तो ठीक से खड़े हो सकते थे ना ठीक से लेट सकते थे। काश मैं सोने के बने ये रोजे और इनके अंदर कीमती पत्थरों से लिखी कुरानी आयतें मरकज हैं अहले बैत की तालीमात का। बेशक ये वही आले मोहम्मद है कि जिनका जिक्र दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान सुबह और शाम अपने दुरूद शरीफ में करते हैं। इमाम मूसा कासिम, इमाम जाफर सादिक के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते और रसूल खुदा के सातवें जानशीन हैं। यहाँ पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम यानी इमाम मूसा कासिम के पोते और रसूल खुदा के नौवें जानशीन का रोजा है। जब जालिम बादशाह इमाम मूसा कासिम से कहता था कि कासिम देखा तुम्हारे खुदा ने तुम्हें कैसी जगह पहुंचा दिया, इमाम मूसा कासिम कहते थे कि मेरे खुदा का शुक्र उसने मुझे ऐसी जगह रखा है जहां उसके और मेरे सिवा कोई नहीं। कैद खाने में इमाम को बहुत बहुत बुरे तरीके से अजियतें दी जाती थी, मगर उसके बावजूद जो जिंदान बांद थे और जो दरोगा थे वहाँ के, उन्होंने जब भी इमाम को नोटिस करा तो उन्होंने देखा कि इमाम या तो रोज़े की हालत में होते हैं या हालत इबादत में होते हैं या इमाम की ज़बान से बस कुरान मजीद की आयत तिलावत हो रही है। इमाम अपना ज़्यादातर वक्त सजदे की हालत में गुजारते थे। इमाम मूसी कासिम को जहर दे के शहीद किया गया और आपको इतना ख़तरनाक जहर दिया गया था कि जब आपके हाथ से जंजीरें और हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश करी तो इमाम की हड्डियाँ और गोश्त उन जंजीरों और हथकड़ियों के बलबूते चिपक गया था। और कुछ भी अगर अलग किया जाता था तो इमाम का गोश्त और जिस्म अलग होने लगता था। हिस्ट्री में लिखा है कि इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम को उनकी जंजीरों, हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ ही दफनाया गया था क्योंकि आपका जिस्म और आपकी हथकड़ियों और आपका गोश्त सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल गया था। हथकड़ी जहां से भी खोली जाती थी जिसे वहीं से ढीला पड़ जाता था, इसने इमाम को उसी के साथ दफनाया। इमाम तकी अलैहिस्सलाम यानी जिनका लकब जवाद है उन्हें भी जहर दे के शहीद किया गया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमाम अली रजा के बेटे हैं और आपकी शहादत के बाद इसी मुकाम पर आपको आपके बेटे यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने दफनाया था। हम लोग आए हुए हैं इमाम मूसा कासिम और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के रोजे पर। यहाँ पे जो पेश इमाम नमाज पढ़ाते हैं उन्होंने हमें ये हिफ्ज़ जवाद दिया है। हिफ्ज़ जवाद एक ताबीज़ है जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने बनाया था एक ज़माने में बाबा जी तब, और ये कहते हैं अगर आपके पास ये ताबीज़ हो तो आपके ऊपर कोई भी बला आए तो वो सर पे आती है और आगे दो हिस्से होके कट के गिर जाती है, कोई बला आ नहीं सकती आपके ऊपर।
तो ये कुरान की कुछ आयतें हैं जो इमाम ने उस जमाने में लिख के दी थी। तो हिफ्ज़े जवाद को लोग अंगूठियों में भी पहनते हैं, वैसे ही पहनते हैं, और ये हमें उन्होंने ताबीज दिया। ये असल में कुरान की कुछ आयतें हैं जो इमाम ने बताई थी कि अगर हमारे पास हों तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, और उसके अलावा कुछ कोटेशन हैं इसमें पीछे लिखी हुई जो इमाम की हैं, और वो दुआएँ हैं। और हम सामर्रा की तरफ निकल रहे हैं। आपके साथ बुजुर्ग लेडीज वगैरह हैं, तो यहाँ पे बाबू साहिबुल जमान से सीधा इमाम मूसा कादिम इमाम जवाद तक की फीडर है, आपको पहुँचाएगी। आप यहाँ हिंदी, तो आप इसमें बैठे हैं और बैठ के आप सीधा इमाम के रौदे तक जा सकते हैं। ये दिखने में तो करीब लग रहा है लेकिन बहुत दूर है रौदा। तो वो जो गाड़ी आ रही है वो है फी सबीलिल्लाह, यानी वो फ्री है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है। आप आराम से उसमें बैठिए और दूर तक जाइए। फिलहाल हम यहाँ पर हैं और अपने टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से हमें मिली है। हम भी यहाँ से सामारा निकलेंगे इंशाल्लाह। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमारा टैक्सी ड्राइवर आया और हमें देख के आगे निकल गया, अब वापस आ रहा है। पीछे बहुत आए इमाम एक आते भाई हमें जमा रहे हैं। इराकी हिंदी आना हिंदी अस्सलाम वालेकुम अलैकुम अस्सलाम तमाम से दुआ हम टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हुए यहीं कहीं है वो। असल में सारी जो आती है ना टैक्सीज वो रोज़े से आती हैं, और ये सब रोज़े की आई हुई हैं। कुछ बस होती हैं, कुछ टैक्सी होती हैं, और यहाँ सब लग जाती हैं लाइन से, हरम टू हरम। आस पास ही हमारा भी ये रहा, मिल गया। इमाम ने मौला अली और रसूल खुदा का इल्म पूरे दुनिया जहान में आम कर दिया। हमारा सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, हमारा सलाम हो आले मोहम्मद पर, हमारा सलाम हो फातमतु ज़हरा पर, हमारा सलाम हो फातमतु ज़हरा की औलाद यानी इमाम मूसी कासिम और इमाम जवाद पर। शहादत इमाम मूसी कासिम हो या शहादत इमाम जवाद अलैह सलाम, काजमैन दुनिया की उन जगहों में सबसे ऊपर आता है जहां सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। यहां पर शहादत इमाम मूसी कासिम पर 12 या 13 मिलियन से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है, और शहादत इमाम जवाद पे भी मिलियंस की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। ये कुम मिला और अरबईन और हज से अलग दुनिया की तीसरी या चौथी ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा इंसानियत का मजमा इकट्ठा होता है।